बहुत बढ़िया रहा है। कितना बना है? मारे 65 को। 65 ओके। कितना बना लिए? 73। 73 बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। मैथ्स में कितना? मैथ में 19। 19 एक ही छोटा, कौन सा छोटा सवाल था? नंबर सिस्टम का। परसेंटेज सवाल था? हाँ। कितने सवाल होंगे परसेंटेज से? परसेंटेज से 2-3। रीजनिंग में? रीजनिंग में 25। 25 क्या क्या सवाल थे रीजनिंग में? रीजनिंग में सब इजी जी थे। कुछ बता सकते हो क्या? सिटिंग अरेंजमेंट से थे 2। ब्लड रिलेशन? ब्लड रिलेशन से 1। 1 था। एक सिटिंग अरेंजमेंट से सवाल क्या था, कैसा था? नॉर्मल था। एक और 7 था, उसे घेरे में बैठाना था, घेरे में। और एक और था 6 हो गया था, उसको भी गोले में बैठाना था, गोले में। और जीके जीएस कैसा रहा? जीके मेरा वीक है थोड़ा सा, 14 अटेम्प्ट किए हैं। 14 अटेम्प्ट किए। क्या करंट अफेयर सवाल था? करंट से था। लगभग कितने होंगे सवाल? करंट से 3-4। अच्छा, बायोलॉजी से? बायोलॉजी से था, एक था वो क्या, थायमिन। अच्छा। किसे कहते हैं? ठीक है। विटामिन का नाम जो था थायमिन। अच्छा। और एक था कैल्शियम कार्बोनेट का फार्मूला। अच्छा, केमिस्ट्री से। ज्योग्राफी से थे? ज्योग्राफी से याद नहीं आ रहा है यार। अच्छा, लैंग्वेज कौन सा आपने बनाया है? हिंदी में कितने सवाल आपने बनाए? बोले 73। हिंदी में अच्छा, हिंदी में 25। अच्छा, हिंदी में क्या क्या सवाल पूछा गया? हिंदी में सब इजी जी था, गंगा का पर्यायवाची और भावार्थ था। क्या भावार्थ था? अनुलोम विलोम वगैरह। हाँ। पैसेज था? हाँ था। पैसेज में कितने सवाल थे? पैसेज में 2 वो फीलिंग ब्लैंक बोला। हाँ, 5। आपका कैसा रहा सर? हम नहीं। आपका कैसा रहा? ठीक रहा। कितना बनाया? 60 वाला बनाया। 60 वाला। अच्छा, मैथ में कितना? मैथ में 14 को मारे हैं। सबसे इजी क्या लगा आज? रीजनिंग। अच्छा, सबसे टफ? टफ लगा जीएस। हाँ, जीएस करंट अफेयर के। जीएस मुश्किल क्यों लगा? जीएस टफ था थोड़ा, नहीं पढ़ते। क्या पूछ रहा था? हार्ड पूछ रहा था, जैसे बहुत पुराना है करंट अफेयर, 2011 का पूछ रहा था। 2011 का करंट अफेयर था जी सर। कितने सवाल होंगे करंट अफेयर? सवाल वो पता है, ये फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कहाँ, और 2011 के अनुसार जनगणना वाला था। यही 3-4-5 क्वेश्चन था। समझौता गांधी डार्विन समझौता था ना, 31 में वो वाला है, वो क्वेश्चन था। लैंग्वेज कौन सा बनाया आपने? हिंदी बनाया लैंग्वेज। हिंदी में वहाँ पैसेज था का ची? पैसेज हिंदी में पैसेज थे। पैसेज होता ही। आपने किया पैसेज? नहीं, मैंने अभी एग्जाम दिया नहीं, बस ऐसे बता रहा हूँ। पैसेज तो हमेशा होता ही। अच्छा, आपने पैसेज किया? हम 20 में 20 अटेम्प्ट किए हिंदी में। 20 में 20। हमको मेन विषय हिंदी और रीजनिंग है। अच्छा, मेन हिंदी और रीजनिंग है। क्वेश्चन तो सही पूछ रहा है जो, लेकिन टाइम मैनेज कर लेगा ना उसको रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि टाइम मैनेज रीजनिंग बहुत टाइम ले रहा है। क्या अटेम्प्ट था आपका? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट। सवाल कितने बनाए हो? अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन थे? 61। आपका कैसा रहा सर? क्या आपका कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा सर। कितने बनाए आप? हैं, बनाए कितने सवाल? 65। हाँ। मैथ में कितना? मैथ में 14 क्वेश्चन। हाँ। सवाल क्या क्या पूछा गया मैथ से? मैथ से अनुपात में मद अनुपात था, रेशियो में था, चक्रवृद्धि ब्याज था, साधारण ब्याज था, एक साधारण ब्याज था, टाइम एडजस्टमेंट था, औसत था, रेशियो में था, नहीं क्वेश्चन था, नंबर सिस्टम। ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सभी कुछ सवाल थे क्या? नहीं, हाँ, चित्रमिति से एक था, हैं, बेलन का मतलब निकलना था, ऊंचाई, त्रिज्या। अच्छा, मेंसुरेशन। हाँ, क्षेत्र। हाँ, रीजनिंग में क्या मतलब? रीजनिंग में सवाल कहाँ कहाँ से पूछे गए थे? बस जो होता है, नॉर्मल क्वेश्चन था। कोई सबसे ज्यादा लेटर सीरीज से था, लेटर सीरीज। हाँ, बहुत ज्यादा क्वेश्चन था उसे, सबसे ज्यादा लेटर सीरीज से ही दिया। नहीं, एकदम इजी इजी थी। अल्फा न्यूमेरिक्स वगैरह से कुछ था? वही अल्फा वाला सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा था। ब्लड रिलेशन से दो क्वेश्चन था ब्लड रिलेशन। हाँ। अच्छा, और ये सिटिंग अरेंजमेंट से? जी, दो क्वेश्चन था। सारा होगा सब, जिसका निकल जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन आया था, इजी भारी नहीं था। प्रीवियस ईयर के कंपेयर में पेपर कैसा है?
उससे बहुत ईजी है, 50%। मॉक के कंपेयर में जो जो टेक्स्ट बुक से मारा होगा ना उसका एकदम पक्का क्लियर है इस बार। सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आया था, डाइस से क्वेश्चन आया था, ठीक है, उसके वजह से कोडिंग एटी से आया था, क्या बोला जाता है लेटर से आया था, और बोला जाता है क्या ई हो गया, उसके बाद से ब्लड रिलेशन से आया था, मतलब कुछ परसेंटेज टाइप का कर दे दिया था, ज़्यादा करके मैथ में एटी से था, क्या बोला जाता है टाइम एंड वर्क से था, और ये हाँ औसत से था, ठीक है, एवरेज से था, उसमें से अब तो जीके जी सब पंचवर्षीय योजना के बारे में भी पूछ दिया था उसमें, ठीक है, हिंदी में देख लीजिए उसमें देता है, उसमें अशुद्ध का चयन करें, कुछ चार को ऑप्शन देता है, उसमें अशुद्ध का चयन करने का बोल रहा था, जो पढ़ाएगा उसका भैया श्योर है उसका निकल जाएगा। मेरा मैथ थोड़ा वीक गया है और सब ठीक गया है, ठीक है। मैथ में 11। ओके, ऑल द बेस्ट।